हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बैंक के जो सही विकल्पी प्रश्न हैं उन्हें लेके आए हैं। इसके पहले हमने आपको प्रश्न 1 से प्रश्न 60 तक के सही विकल्प आगे के वीडियो में बता चुके हैं, इसके पहले के वीडियो में बता चुके हैं। इसमें आपको हम 61 प्रश्न के मार्क 61 से आगे की वीडियो बताएंगे। तो बच्चों, यह प्रश्न बैंक किसके द्वारा जारी की गई? राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जारी की गई और किस विषय की है? विज्ञान विषय की और कक्षा 8वीं, जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 61 देखते हैं। ये क्या है? इसका खरपतवार हटाने की प्रक्रिया है, तो आपको इसका सही आंसर बताना पड़ेगा। खरपतवार हटाने की सही प्रक्रिया क्या है? कटाई, निराई, भंडारण या फटकना? इसका सही आंसर हो जाएगा निराई। इसके बाद अगला देखिए, हाइड्रा में प्रजनन होता है। हाइड्रा में प्रजनन होता है तो किसमें होता है? मुकुलन द्वारा होता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है तो क्या है? ये बेकेलाइट है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बेकेलाइट। धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाए गए बल का उदाहरण है, कौन सा बल हो जाएगा? पेशी बल। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65, निम्नलिखित में से मानव निर्मित रेशा है, जो मानव द्वारा निर्मित रेशा कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नायलॉन। फिर निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो उसका सही आंसर है जिंक, जिसे क्या कहते हैं? जस्ता। इसे पीटकर पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 67, मलेरिया परजीवी वाहक है, किसका है? मादा एनाफिलीज मच्छर का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, मादा एनाफिलीज मच्छर। फिर अगला प्रश्न देखिए, सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह है तो नेपच्यून है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपच्यून। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 59, चंद्रमा की कलाओं के घटने का कारण यह है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो चंद्रमा की कलाएँ घट रही उसका क्या कारण? चंद्रमा के पृथ्वी की छाया चंद्रमा के पृष्ठ के केवल कुछ भाग में ही ढकती है, तो उसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 70, प्रश्न नंबर 70 में क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं। सामान्यतः धातुएं कैसी होती हैं? तन्य होती हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 71, आंतरिक निषेचन होता है, आंतरिक निषेचन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मादा के शरीर के अंदर। ए नंबर, मादा के शरीर के अंदर। फिर अगला प्रश्न देखिए, 72 नंबर, खरपतवार नाशी है, खरपतवार नाशी 2,4-D यूरिया NPK सुपर फास्फेट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2,4-D। ये क्या है? खरपतवार नाशी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73, प्रश्न नंबर 73 क्या कह रहा है? फसल की बुआई में उपयोगी कृषि औजार है, तो इसका हल, थ्रेशर, रहट, सीड ड्रिल, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर है आपका जो पूछा है 73 नंबर का प्रश्न, तो इसका सही आंसर सीड ड्रिल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सीड ड्रिल आ जाएगा। अगला प्रश्न 74 नंबर देखिए, अमीबा में प्रजनन होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्विखंडन द्वारा। अमीबा में प्रजनन किसके द्वारा होता है? द्विखंडन द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 75, किस रेशे का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है? कपास, रेयान, ऊन, नायलॉन, तो इसका सही आंसर आ जाएगा रेयान। रेयान जो होता है, रेयान रेशे का तार इस्पात के तार से भी अधिक प्रबल होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? एल्यूमिनियम, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम को। अगला प्रश्न देखिए, दहन के लिए आवश्यक गैस है, दहन के लिए आवश्यक गैस कौन सी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 78, अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन किस में होता है? तो ये होता है हाइड्रा में, किस में होता है? हाइड्रा में। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? बुध भी है, शनि भी है, पृथ्वी भी है, तो सीरियस ये सूर्य का ग्रह नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28,
कुएं से पानी, कुएं से पानी से भरी बाल्टी को खींचने में किस प्रकार का बल कार्य करता है? तो इसमें कौन सा बल कार्य करता है? पेशी बल। इस प्रकार इसके उत्तर 71 से 80 तक उत्तर यहाँ पे दिए हुए हैं, इन्हें भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 81। प्रश्न 81 क्या कह रहा है? सौर मंडल में सूर्य के पास का ग्रह है। सौर मंडल में सूर्य के पास का ग्रह है, तो देख बता सकते हैं आप, सीरियस, बुध, शनि, पृथ्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बुध। कौन है? सूर्य के पास का ग्रह बुध है। अगला प्रश्न देखिए, ईस्ट का उपयोग निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में होता है? तो इसका उपयोग जो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्कोहल के। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 83। चित्र देखकर पहचानिए, चित्र देखकर पहचानिए कि श्वसन अंग कौन सा है? यहाँ पे नंबर दिया 1, 2, 3, 4। तो आप इसका सही आंसर बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये जो दो नंबर है, ये दो नंबर दिख रहा है, ये क्या है? श्वसन अंग है। तो इसका सही आंसर 2 नंबर आ जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? बी नंबर। तो आप किस पर टिक मार्क कर देंगे? बी नंबर पे, जिसमें 2 लिखा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट जो आएगा आपका 84 नंबर। 84 नंबर का प्रश्न क्या कहा है? चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम है। प्रश्न क्या है? चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किडवन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किडवन। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंचाई कार्य में उपयोग आने वाली आधुनिक विधि है, तो इसकी ड्रिप तंत्र कौन सी विधि आ जाएगी? ड्रिप तंत्र। फिर प्रश्न 86 देखिए, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल कहलाता है, तो वह कौन सा बल कहलाएगा? घर्षण, दाब, संपर्क बल या असंपर्क बल। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दाब। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, चित्र में आँख के विभिन्न भागों में A, B, C एवं D दर्शाया गया है। आँख के लेंस को किस अंग्रेजी वर्ण द्वारा प्रदर्शित किया गया है? देखिए यहाँ पे B, C, D, A दिया है, तो आपको यहाँ सही आंसर ये बताना है कि किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया। तो ये यहाँ पे देखिए, ये जो है सी, किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया? ये सी के द्वारा। किसके द्वारा? तो इसका आंसर भी सी नंबर ही आएगा, सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 88। शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक कार्यात्मक इकाई है। प्रश्न क्या है? शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, तो इसकी कौन सी इकाई होगी? कोशिका। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? कोशिका। माइटोकांड्रिया का कार्य क्या है? तो माइटोकांड्रिया का कार्य है ऊर्जा उत्पादन करना, तो इसका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 90। कौन सा प्राणी सर्वाहारी है? कौन सा प्राणी सर्वाहारी है? तो यहाँ पे सही आंसर आ जाएगा मनुष्य। मनुष्य कैसा प्राणी है? सर्वाहारी प्राणी है। इस प्रकार यहाँ पे आपका प्रश्न क्रमांक 90 समाप्त हुआ, और यहाँ पे यह वीडियो का अंतिम प्रश्न था, यहाँ पे समाप्त हुआ। बच्चों, यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए, और अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी अच्छे से कीजिए, आप अच्छे मार्क्स लाइए। ठीक है बच्चों।